हेलो स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ आशीष सिंह। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीरीज के इस वीडियो लेक्चर में आप सबका स्वागत है। हम लोगों ने ऑर्गेनिक कंपाउंड के आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर को बहुत हद तक सीख लिया है, उसके बहुत से रूल्स के, उसके बहुत से तरीके को हम लोग जान गए हैं कि कैसे उसको अप्लाई करके उसके आईयूपीएसी नेम लिखे जाएँ। आज हम लोग उस आईयूपीएसी नेम से उसका स्ट्रक्चर कैसे लिखें आज वो सीखेंगे। मतलब कि जितना भी अभी तक आपने सीखा, कंपाउंड को देखकर, उसके स्ट्रक्चर को देखकर आपने आईयूपीएसी नेम लिखा। अब आईयूपीएसी नेम लिखा रहेगा, अब उसको देखकर हमें उसका स्ट्रक्चर बनाना है। ये है बहुत आसान। बस मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट दिया है आपके प्रीवियस वीडियो लेक्चर में, आप उसको वहाँ पे याद रखिए, उसको समझिए और फिर यहाँ पे उसको अप्लाई करिए। जस्ट उसका रिवर्स है। मतलब अब आपको यहाँ पर आईयूपीएसी नेम लिखा रहेगा, अब उसका स्ट्रक्चर बनाना है। जैसे मैं बहुत सिंपल एग्जाम्पल से शुरू कर रहा हूँ, ये बहुत ही आसान है, इसको बिल्कुल ध्यान से एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिखा, टू मेथाइल ब्यूट टू इन, ये मैंने लिख दिया, ये एक आईयूपीएसी नेम मैंने लिख दिया। अब इसका हमें क्या बनाना है, स्ट्रक्चर फार्मूला, यानी कि सॉरी हमें क्या बनाना है, इसका ये स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाना है। ठीक है, स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, इसमें वर्ड रूट। और मैंने आपको ढंग से सिखाया है कि वर्ड रूट क्या होता है बेटा, एल्क, यानी कि जो भी एल्क या हाइड्रोकार्बन दिखता है वर्ड रूट होता है। ये बनाएगा आपका वर्ड रूट, और वर्ड रूट के जस्ट बाद किसका नंबर आता है, प्राइमरी सफिक्स का आता है। उसके बाद प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के लिए सेकेंडरी सफिक्स होता है, उसके पहले प्राइमरी प्रीफिक्स होता है। क्योंकि यहां प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं है तो उसको छोड़ देंगे। प्राइमरी प्रीफिक्स क्या बताता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर को बताता है, साइक्लो लिखा जाता है इसके लिए। और इसके जस्ट बाद आता है सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो यह जो है, यह है सेकेंडरी प्रीफिक्स, और यह है वर्ड रूट, और यह है प्राइमरी सफिक्स। यहाँ पर सेकेंडरी सफिक्स नहीं है। तो अब आपको बिल्कुल वही लेके चलना जो आपने अभी तक किया है, मतलब कि जो दिख रहा है वैसा ही आप उसको लिखते जाइए। जैसे कि यहाँ देखो, ब्यूट का मतलब क्या होता है बेटा, चार कार्बन की चेन है। क्योंकि यहाँ पर साइक्लिक नहीं है, प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो लिखा नहीं है, जब साइक्लो नहीं है तो ये साइक्लिक कंपाउंड नहीं है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, आपका ओपन चेन कंपाउंड है। तो ब्यूट का मतलब चार कार्बन, तो आप ऐसे चार कार्बन पहले लिख दीजिए। ये लो लिख दिया, ब्यूट का मतलब चार कार्बन। अब आप यहाँ पर किसी भी ओर से नंबरिंग कर दीजिए, जैसे मैंने यहाँ से नंबरिंग कर दिया 1, 2, 3, 4। मतलब कि जो भी वर्ड रूट आपका लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे क्या लिखिए, कार्बन का स्केल्टन चेन लिख दीजिए, एक स्टेट चेन लिख दीजिए, और कहीं से भी नंबरिंग कर दीजिए। चाहे आप नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करो 1, 2, 3, 4, चाहे यहाँ से करिए। अब उसके बाद यहां पे जो जो आपके सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं, जो जो फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए हैं, अब उसी नंबर के अकॉर्डिंग इसको लिख दीजिए। जैसे ब्यूट टू इन, यानी कि दूसरे कार्बन पे क्या लगा है बेटा, इन का मतलब क्या होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो टू के यहां पे टू से स्टार्टिंग कर दी, डबल बॉन्ड, देखो डबल बॉन्ड बना दिया यहां पर। अब उसके बाद टू मिथाइल, यानी कि मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, तो ये देखो बना दिया, ये लिख दिया आपने मिथाइल। और बाकी जो कार्बन की वैलेंसी है उसको हाइड्रोजन के साथ क्या करिए, सैटिस्फाइड कर दीजिए। क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, चार होती है, और जितने बॉन्ड में दिख रहे हैं उसको चार से माइनस कर दीजिए, आपको हाइड्रोजन कितने जोड़ने हैं पता चल जाएगा। इसलिए देखो इस कार्बन में एक बॉन्ड दिख रहा है, और कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, चार, तो एक माइनस किया कितना आया, तीन, मतलब कि तीन हाइड्रोजन आप यहाँ पर जोड़ेंगे इस तरीके से। ये देखिए ऐसे यहाँ पे जोड़ दीजिए हाइड्रोजन, एक यहाँ देखो जोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ देखो चार होती है ना, तो एक यहाँ रहेगा, यहाँ बेटा कहते हैं 1, 2, 3 यहाँ पर नहीं रहेगा, ध्यान दीजिएगा बैलेंसी को। ठीक है, यहाँ पे कितने हो जाएंगे, ये चार, देख लीजिए कार्बन की सारी बैलेंसी यहाँ पर पूरी होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप इसको कंडेंस फार्मूला में लिख दीजिए, कंडेंस फार्मूला में इस तरीके से ये लिख दिया। ठीक है, और इसी को देखकर ही तो आपने ये आईयूपीएसी नेम लिखा है, बिल्कुल उसी तरीके से, बिल्कुल करेक्ट है। ऐसे और भी एग्जांपल लिख सकते हो, जैसे मैंने लिखा थोड़ा और बढ़ाते हैं, 2 एमिनो
फोर ब्रोमो पेंट एन अल, अल मतलब एल्डिहाइड। अब देखो, अब इस जो ये आपका आईयूपीएसी नेम लिखा हुआ है, अब इस आईयूपीएसी नेम में वर्ड रूट कितने कार्बन का है? पांच कार्बन का, ठीक है, यानी पांच कार्बन की चेन बना दीजिए। ये लीजिए 1 2 3 4 5। अब देखो कहीं से भी नंबरिंग कर दीजिए, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी चीज जुड़ी हुई है? ये तो हो गया वर्ड रूट पेंट, वर्ड रूट या रूट वर्ड, और एन का मतलब क्या हुआ? प्राइमरी सफिक्स। अल का मतलब क्या हुआ? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, सेकेंडरी सफिक्स, और इसके सब्स्टिट्यूएंट मतलब कि सेकेंडरी प्रीफिक्स में क्या क्या आ जाएंगे, ये पूरे आ जाएंगे। और दो और चार क्या है? इस कार्बन नंबर को दिखाने के लिए। तो आप कहीं से भी नंबरिंग कर दीजिए, मान लो यहाँ से कर दिया मैंने 1 2 3 4 5। अब देखो इसके पहले कार्बन पर क्या है? अल, अल मतलब एल्डिहाइड, तो इसको आप एल्डिहाइड बना दीजिए, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप कैसा है? कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। तो पांच कार्बन में से एक कार्बन को क्या बना दिया आपने? एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। अब देखो इस पेंट के चौथे कार्बन पर क्या लगा है? ब्रोमो, तो लगा दीजिए, कुछ नहीं है। इस पेंट के दूसरे कार्बन पे क्या लगा है? एमिनो, लगा दीजिए फंक्शनल ग्रुप। ये देखो ये एमिनो का हो गया फंक्शनल ग्रुप। ये सारी चीज़ जो आप पढ़ चुके हो, बस उसका रिवर्स कर रहे हैं हम। तो अब बाकी जो वैलेंसी है कार्बन की, उसको हाइड्रोजन के साथ आप जोड़ दीजिए, यहाँ तीन हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे वैलेंसी एक है, बचे तीन। यहाँ पे तीन है तो एक बचेगा चार, और यहाँ पे दो हैं तो दो हाइड्रोजन यहाँ लगा दीजिए, और यहाँ पे कितना होगा बेटा? एक यहाँ लगा दीजिए, बाकी ये तो जुड़ा हुआ है तो पूरा फंक्शनल ग्रुप ही है। इसको कंडेंस फार्मूला में लिखना हो तो कैसे करेंगे? यहाँ CH3 हो जाएगा, ये CH3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा CH, ये हो गया ब्रोमीन, नेक्स्ट CH2, और यहाँ पे हो जाएगा CH, और ये हो जाएगा NH2, और ये हो गया CHO। देख लीजिए CHO, यानी कि डबल बॉन्ड यहाँ लगा दिया, यहाँ पर लगा हुआ ना, यहाँ पर H लगा हुआ है, यहाँ डबल बॉन्ड लगा हुआ है, ठीक, कोई बात नहीं, कैसे भी कर लीजिए। तो 1 2 3 4 5, यानी इस IUPAC नेम का ये क्या हो गया बेटा? स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया। तो इस तरीके से हम कोई भी IUPAC नेम दिया जाए, अब बस आपको उसका रिवर्स करना है। रिवर्स करने के ये सब तरीके हैं, ये आपके बिल्कुल प्रैक्टिस पे आ जाएंगे, बहुत ही आसान है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ दे रहा हूँ, आप उसको प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ क्या क्या है वो, चलिए देखते हैं। नाउ यहाँ देखिए आपको कुछ एग्जांपल्स आपको दिख रहे हैं, इन एग्जांपल्स पर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। जैसे इसको देखिए, एग्जांपल नंबर वन को देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 3-methyl-butanoic acid। तो ब्यूट क्या हो गया बेटा? 4 कार्बन की पैरेंट चेन, ये 4 कार्बन की पैरेंट चेन हो गई, ओपन चेन स्ट्रक्चर है। यहाँ ओइक एसिड, अच्छा एन का मतलब क्या हुआ? सभी सिंगल बॉन्ड। यहाँ ओइक एसिड लिखा है तो ओइक एसिड के लिए फंक्शनल ग्रुप क्या लिखेंगे? COH, ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। तो सबसे पहले आपके टर्मिनल कार्बन यानी किनारे वाले कार्बन को आप कार्बोक्सिलिक एसिड बना के निपटा दीजिए। देखिए ये हमने बना दिया, तो अब उसके बाद आप नंबरिंग कर दीजिए, नंबरिंग पहले कर दिया करिए 1 2 3 4। अब उसके बाद 3-methyl-3 पे क्या लगा है? ये CH3 लगा हुआ है, बस देख लीजिए जैसा दिखा वैसा लिखा। यहाँ पर ब्यूट का मतलब 4 कार्बन है तो 4 कार्बन की चेन होती है, तो 4 कार्बन बना दिया। उसके बाद नंबरिंग कर दीजिए, नंबरिंग करने के बाद अगर कोई कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप जैसे कि आप क्या क्या आ जाएंगे बेटा? यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, एमाइड, NH2, साइनाइड, ये सब आ जाएंगे। तो इनको आप पहले कार्बन पर इनको स्ट्रक्चर बना देंगे, और फिर उसके बाद कार्बन की सारी वैलेंसी हाइड्रोजन के साथ क्या करिए? सैटिस्फाइड कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे ये वन नंबर है, ये बॉन्ड नहीं है। ऐसे ही देखो एग्जांपल नंबर टू में देख लीजिए, यहाँ पे सबसे पहले आप क्या देखेंगे? पैरेंट चेन। तो पैरेंट चेन मतलब वर्ड रूट, तो ये ऑक्ट मतलब 8 कार्बन का पैरेंट चेन है। तो 8 कार्बन बना दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8। अब नंबरिंग कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब उसके बाद आप देखिए क्या क्या इसमें फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। यहाँ आप देखिए 5-ene का मतलब क्या हुआ? 5वें कार्बन से
पांचवें कार्बन से बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन की शुरुआत होगी, ये लो बना दिया। फिर यहाँ पे अल लगा हुआ, अल का मतलब एल्डिहाइड ग्रुप, तो एक कार्बन को पहले कार्बन को क्या बना दीजिए आप, एल्डिहाइड ग्रुप बना दीजिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ वन ना लिखा हो, कोई नंबर ना लिखा हो, तो ये अंडरस्टूड है कि पहले कार्बन पर होगा। उसके बाद यहाँ पे क्या है, फाइव क्लोरो, फाइव पर ही सीएल लगा दीजिए, ठीक है। सेवन हाइड्रोक्सी, सेवन पे क्या लगाइए, ओएच लगा दीजिए, और बस बाकी वैलेंसी को हाइड्रोजन सर्टिफाइड कर दीजिए, ठीक। आप ऐसे इसको भी कर सकते हैं, यहाँ पे क्या है, फोर हाइड्रोक्सी, फोर मिथाइल, टू पेंटेन ओन, टू टू देखो टू किसके लिए है बेटा, ओन के लिए है, तो ठीक है। तो यहाँ पे फाइव कार्बन की चेन बनाइए, वन टू थ्री फोर फाइव, फिर नंबरिंग कर दीजिए किसी एक ओर से, मैं यहाँ से ही नंबरिंग कर दे रहा हूँ, वन टू थ्री फोर फाइव। दूसरा कार्बन क्या बनाइए, ओन बनाइए, क्योंकि ये कीटोन जो होते हैं ये आपके बाई वैलेंट होते हैं, दो वैलेंसी होते हैं, बीच में आएंगे। ऐसे ही फिर यहाँ फोर हाइड्रोक्सी, चार कार्बन पे ओएच लगाइए, हाइड्रोक्सी फंक्शन ग्रुप, यहाँ पे फोर मेथाइल, यहीं पे सी एस थ्री जोड़ दीजिए, देखिए बन गया इसका, बाकी कार्बन के वैलेंसी क्या करिए, हाइड्रोजन के साथ सेटिस्फाइड कर दीजिए, ठीक है। ठीक ऐसे इसका भी हो जाएगा। साइक्लो, देखो साइक्लो वर्ड आ गया, साइक्लो हेक्स, तो सबसे पहले क्या बनाइए, साइक्लिक चेन बनाइए, साइक्लो हेक्सेन बनाइए। फिर उसके बाद वन इन, वन का मतलब कहीं पर भी एक डबल बॉन्ड बना दो, कहीं पर डबल बॉन्ड बना दीजिए, तो हमेशा एक नंबर से वहां से स्टार्टिंग होगी। तो यहां पे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, नंबरिंग का सारे तरीके आप जानते ही हैं, सब कुछ बताया गया है। फिर क्या है, थ्री मेथाइल, थ्री पे लगाइए सी एस थ्री लगा दीजिए, वेरी गुड। फिर टू एमिनो, टू पे क्या लगाइए, एन एस टू लगा दीजिए, ये एन एस टू लगा दिया, बाकी कार्बन की वैलेंसी हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर सेटिस्फाइड कर देंगे। अब ये देखो यहाँ पर साइक्लोहेक्सिलिडीन, यानी कि कहीं पर भी ये एलिडीन लिखा है बेटा, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये एलिडीन रिप्रेजेंट करता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, मतलब कि कोई साइड चेन है डबल बॉन्ड के साथ किससे जुड़ा हुआ है, किसी फंक्शनल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है। एलिडीन यानी कि ये पूरा क्या है, देखो बेटा साइक्लोहेक्स, पहले साइक्लोहेक्स मतलब कि छः कार्बन की साइक्लिक चेन पहले बना दीजिए, ये देखो बना दिया। फिर एलिडीन लगा है तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बना दिया, ठीक, ये मैंने सभी सिखाया हुआ है, आप देखिएगा प्रीवियस वीडियो लेक्चर में। और फिर मेथ का मतलब एक कार्बन यहाँ जोड़ दीजिए, ऑन एन ओन मतलब कि डबल बॉन्ड ओ, मतलब कि ये बन गया कीटोन। तो ये इसका हो गया आईपीसी नेम, बहुत ही आसान है, जैसा दिखा वैसा लिखा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आपके एग्जाम में पूछा गया है, ये आपके सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपको घबराना नहीं है, कोई भी क्वेश्चन आए आपको सबसे पहले उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद उसके जो जो आपके दिए हो कंपाउंड्स, चाहे आईयूपीएसी दिया हो, कोई स्ट्रक्चर दिया हो, तो उस स्ट्रक्चर्स में क्या क्या दिया है, वर्ड रूट क्या है, सफिक्स क्या है, प्रीफिक्स क्या है, उसको देखते हुए आप अपना नाम लिखेंगे, उसका आईयूपीएसी नेम लिखेंगे। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो बेटा, चाहे आप जेई के एग्जाम दे रहे हो, नीट का एग्जाम दे रहे हो, आप ग्रेजुएशन में हो, आप बीएससी कर रहे हो, बी फार्मा कर रहे हो, कोई अगर वहाँ पर केमिस्ट्री है तो आप बिल्कुल मत घबराइए। मैं केमिस्ट्री के ऐसे ऐसे दमदार कॉन्सेप्ट दूंगा जिससे आपकी केमिस्ट्री बहुत आसान हो जाएगी। देखिए यहाँ पर जो मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ उस कॉन्सेप्ट को आप सीखिए, रटिए नहीं, सीखिए और उसको समझिए। केमिस्ट्री सीखने का सब्जेक्ट है, वरना बहुत से लोग देखिए केमिस्ट्री से भागते हैं। क्यों भागते हैं? क्योंकि केमिस्ट्री को लेकर उनके माइंड में एक अलग कॉन्सेप्ट बनता है, वे रूल से हट के चीज़ों को सीखते हैं और एक ट्रिक बनाते हैं और ट्रिक से बस अपना रास्ता निकालते हैं। तो बेटा ऐसे केमिस्ट्री नहीं सीख पाओगे। केमिस्ट्री सीखना है तो उसके कॉन्सेप्ट को ढंग से समझना पड़ेगा, उसको जानना पड़ेगा। यहाँ ऑर्गेनिक की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ सभी जो उसके ब्रांचेस हैं केमिस्ट्री के, चाहे वो फिजिकल हो, इनऑर्गेनिक हो, चाहे आपके मेडिसिनल केमिस्ट्री हो, बायोकेमिस्ट्री हो, तो सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं। ये फैक्ट है, केमिस्ट्री फैक्ट है, ठीक है। आप कोई भी बोर्ड में हो, चाहे वो आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो, सीबीएसई बोर्ड के हो, आईएससी बोर्ड के हो, महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात, आपके हरियाणा, राजस्थान, अगर आप ये वीडियो लेक्चर देख रहे हो और मुझे सुन रहे हो, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि केमिस्ट्री में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ बेसिक से बेसिक चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस तरीके से आप उसको सीखते जाइए। आईयूपीएसी का ये सफ़र बहुत अच्छा रहा आप लोग के साथ, ठीक है। और ये बहुत अलग 17-18 वीडियो लेक्चर आपके बन चुके हैं, और आईयूपीएसी ऐसा नहीं कि यहीं पे ख़त्म हो गया, आईयूपीएसी नॉमिनल क्वेश्चन बहुत बड़ा है।
लेकिन जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया है उस कॉन्सेप्ट के बेस पर आप जितने भी आईयूपीएससी के क्वेश्चन आएंगे आप उसको सॉल्व कर लोगे, चुटकी बजाते सॉल्व करोगे। और भी कोई और बहुत से नियम हैं, जैसे हेट्रोसाइक्लिक के अगर आपके बीएससी थर्ड ईयर का मैं स्टार्ट करूंगा, आईआईटी जेम की जब आपके वीडियो लेक्चर में यहाँ बनाऊंगा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आऊंगा तो मैं अच्छे से वहाँ भी बताऊंगा। मतलब अगर आपने आईयूपीएससी के सारे वीडियो लेक्चर अच्छे से देख लिए तो इन फ्यूचर कोई भी अगर आपका आईयूपीएससी नेम का आ गया तो आप घबराएंगे नहीं, बिल्कुल अच्छे तरीके से उसको सॉल्व करेंगे। देखिए बेटा, यहाँ केमिस्ट्री सीखना है और मैं आपको सिखाऊंगा, और इसके लिए आपको बने रहना है। आप वीडियो को जम के सब्सक्राइब करवाइए, करिए और करवाइए, और इस वीडियो लेक्चर को क्या करना है, शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए। बहुत से लोग बेचारे जो गांव देहात में रहते हैं वो एक अच्छी केमिस्ट्री सीखना चाहते हैं, वो मतलब कि केमिस्ट्री क्या है एक्चुअल में वो जानना चाहते हैं, तो उनकी मदद करिए आप, ये वीडियो वहाँ तक पहुँचाइए। वरना प्लेटफॉर्म यानी है कि यूट्यूब पर और बहुत से जगह पर ऐसे केमिस्ट्री पढ़ाते हैं जैसे हवा में जा रहा है, बस ट्रिक बता के वो आगे निकल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक्चुअल क्या चीज़ है केमिस्ट्री वो आपको यहाँ पर सीखने का मौका मिलेगा। आप उनकी मदद करिए, आप भी इसको सीखिए। आप तो है ही हैं, आप तो देख ही रहे हो, आपने सब्सक्राइब किया है, बहुत से लोगों सब्सक्राइब कराइए, शेयर कराइए, लाइक कराइए ज़रूर। तो इसी के साथ अब नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, नए आपके कोई आपका लेक्चर लेंगे और एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। फिलहाल आईयूपीएससी का सफ़र यहाँ तक रहा। ठीक है, जितना मैंने सिखाया पढ़ाया आप अच्छे से उसको समझिए और अपने क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करिए। कोई प्रॉब्लम होती है, कोई दिक्कत होती है, आप कमेंट करिए, आप कमेंट, मैं आपके कमेंट का जवाब दूँगा, आप ज़रूर करिए। तो अब नए टॉपिक के साथ मिलेंगे और बहुत दमदार तरीके कॉन्सेप्ट सीखेंगे उसको। ठीक है, तो ओके, थैंक यू।